दोस्तों होलसेल का बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसा लगता है, लेकिन कई बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल कम पैसों में शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए वो बिजनेस। यानी कई भाई ऐसे हैं जिनको नॉलेज है, यानी हुनर है, हुनर से रोजगार, आपने भी सुना होगा, हुनर सीख लिया है, यानी कोई प्रोडक्ट्स बनाने सीख लिए है, लेकिन उसका ही वो होलसेल में बिजनेस करके भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी आपने देखा होगा काफी होलसेल के बिजनेस बताता हूँ, जैसे नमकीन का बिजनेस हो गया, बिस्कुट का बिजनेस हो गया, मिठाइयों का होलसेल का बिजनेस हो गया, या मट्टी है, नमक पारे, शक्कर पारे, इस चीज का होलसेल का बिजनेस हो गया, ड्राई फ्रूट के फैंसी बॉक्स है, इसका भी मैंने होलसेल का बिजनेस कर रखा है, लेकिन इसमें भी ज्यादा पैसा नहीं लगता है। हमने सेटिंग बनाई हुई है किस तरीके से कर रहे हैं, जो जिस काम को करता है उसका एक्सपर्ट हो जाता है, यानी मास्टरमाइंड हो जाता है, चाहे उनसे 1 किलो माल ले लो, चाहे 1000 किलो ले लो, बाजी के बॉक्स हो, चाहे स्वीट्स के बॉक्स हो, चाहे नमकीन का बिजनेस हो, चाहे जो आज मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल कम पैसों में शुरू हो जाएगा। भाई पहले से करते आ रहे इस बिजनेस को जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, इमरती का बिजनेस, इमरती का होलसेल का बिजनेस करके जो भाई पैसा कमा रहे हैं, इसका हमको मतलब बड़ा कर सकते हैं, स्टाफ की भी बचत होती है, जगह की भी बचत होगी, यानी ऑर्डर भी, यानी माल भी बहुत ज्यादा बनेगा। तो आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता। बिजनेस की नई नई जानकारी आपको फ्री में मिलती रहती है। मैं सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। दोस्तों जलेबी तो आपने देखी होंगी, जो जलेबियां बनती है वो पहले हाथ से बनाई जाती थी, बहुत ज्यादा गांव में जब जलेबियां बनती थी तो मैदा को पहले बताते थे कि 2 दिन पहले लगानी पड़ती है, उसके बाद दिल्ली में बनने लगी, जो लोग बनाते हैं यानी कारीगर बनाते हैं दिल्ली वाले, तो हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं, उनको इतना तजुर्बा होता है कि वो बना देते हैं। जैसे उड़द की दाल की पिट्टी ली उन्होंने, पिट्टी मती, मैदा डाली और उसका बेस तैयार हुआ, जलेबी बनानी शुरू कर दी। लेकिन आजकल उसकी भी मशीन आ गई है, जो बड़ी मशीन लेते हैं वो 5 से 6 लाख रुपए की होती है, लेकिन छोटी मशीन भी आती है इसकी, जो कि आप हाथ से ही कुप्पी में बनाते चले जाएं बन जाती है, बटन दबाते जाएं। कपड़े में बनता था, कपड़ा कई बार ऐसा होता था फट जाता था या गीला हो जाता था, जलेबी चलती नहीं थी, और लेकिन आजकल मशीन से भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है। लेकिन काफी भाई पनीर जलेबी बनाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर आप जाएंगे देखने के लिए तो पनीर जलेबी होगी, इमरती होगी, अब ये बनती है वहां पर, तो जो बड़े बड़े काउंटर है जहाँ पे स्टाफ की सुविधा है, यहाँ पे बनता है प्योर देसी घी में, बढ़िया चीज है। भाई होलसेल का बिजनेस करते हैं इमरती का या पनीर जलेबी का, या मोटी मोटी जलेबी जो भाजी के डब्बे में डाली जाती है उसका भी बिजनेस होने लग गया है, लेकिन आप कैसे करेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि आपको आता ही नहीं है, तो आप कारीगर लगा ले, आप भी शुरू करवा सकते हैं। एक एक भाई के कई कई बिजनेस चलते हैं, या पार्ट बिजनेस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ले ले, तजुर्बा ले ले, एक दूसरों से जुड़ जाए, और मार्केट में जाते हैं मशीनें ले लो, ये मशीन ले लो, इतना पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने इसे हाथ से ही बनाकर, यानी अपने घर से ही बनाकर और शुरू कर सकते हैं, थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप मशीनें लेने जाते हैं, जो मशीनों की एड देखते हैं आप कि इतनी मशीनें लो, घर से ही बिजनेस चालू करो, ये पैसा नहीं, माल हमारे को ही दो, ऐसी काफी वीडियो आपने भी देखी होंगी, लेकिन वहां पे भी पैसा लेते हैं, आपको पता होगा, तो उस पैसे से अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, यानी खुद का मार्केट में सप्लाई देना शुरू करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं हमें अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, भाई करेंगे तो आएगा ना, बिजनेस करेंगे तो कौन सा है जो अनुभव नहीं आएगा, 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 6 महीने नहीं आएगा, उसके बाद आने लग जाएगा, इसके मास्टरमाइंड बन जाएंगे, या कोई भी बिजनेस शुरू करता है उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, जीरो से शुरुआत होती है, हर किसी की जीरो से शुरुआत है, उनकी हिस्ट्री देखो कि पहले वो क्या थे, आज कहां पहुंच गए। आप भी कर सकते हैं इस बिजनेस को, आप भी इमरती अपने घर पर ही बनानी शुरू कर दी, हाथ से भी बनवा सकते हैं इमरतियों की कारीगरी, पनीर की जलेबियां होगी, इस तरीके से आप हाथ से बनवाए, लेकिन आपको अनुभव तरीका आया तो इसकी मशीनें आती है, मशीनों से भी बनवा सकते हैं, मशीनों से बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक गोलगप्पे की वीडियो बनाई थी, गोलगप्पे मशीन से कैसे बनाए जा रहे हैं, यानी समय की बचत हो रही है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, अब मार्केट में बेचेंगे, कंपटीशन नहीं होगा इसका, यानी ज्यादा माल बिकेगा, तो इसकी भी एक सप्लाई देकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दिल्ली में एक नहीं हजारों दुकानें हैं, मार्केट है, लेकिन दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली से बाहर बैठे हैं वो भी कर सकते हैं इस काम को, यानी होलसेल में इमरती बनाकर मार्केट में सप्लाई दें। अगर मैं कहता हूं होलसेल में माल सस्ता बिकता है, लेकिन 10 रुपए किलो पे भी मार्जिन आ जाता है, तो प्रोडक्शन पे खेलते हैं, यानी माल ज्यादा बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इमरती का बिजनेस आप समझ गए होंगे कि यानी सप्लाई बनाए,
मार्केट में और देना शुरू करते हैं 5 किलो 10 किलो, यानी 10 दुकानें भी आपने पकड़ ली तो 10 दुकानों पे 5-5 किलो भी जा रहा है तो 50 किलो माल बिक गया। 10-10 किलो रुपए पे प्रॉफिट आ रहा है तब भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 10 किलो नहीं आता, शादियों के ऑर्डर आते हैं, बाजी के ऑर्डर आते हैं, या किसी को ऑर्डर देना है कोई बंटवाना चाहता है, यानी आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे उसके बाद ऑर्डर तो अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। आप एक बार इसको करके देखें। जो भाई मेरे साथ करना चाहते हैं, हमारा भी मृत्यु का काम है, तो काफी भाई जुड़े हैं, जैसे ले जाते हैं, बनती है, गरम गरम सप्लाई भी देते हैं, या दुकान पे काउंटर सेल भी बिकती है। वैसे इसका होलसेल रेट भी बहुत ही अच्छा। वीडियो में खोलना नहीं चाहता, लेकिन इस पे कोई स्टाम्प नहीं लगी है ना कि भाई बिस्कुट पार्ले जी लेने जाओ तो 5 रुपए का पैकेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने रेट से बेचें, क्वालिटी थोड़ी अच्छी बनाए, साफ सफाई का ध्यान रखें, और पैकिंग में भी दे सकते हैं, आधा किलो की पैकिंग निकाल दे, स्टोर पर रखवा दे। ये मिट्टी कोई कहते हैं कि ठंडी हो जाएंगी, मिट्टी ठंडा ही आइटम है, ये ठंडी हो जाए कोई बात नहीं, करारापन इसका खत्म नहीं होना चाहिए। मिट्टी ठंडी चलती है और जलेबी गर्म होती है, तो मिट्टी आप बेच सकते हैं, पनीर की जलेबी बेच सकते हैं, स्टोरों पर लगवा दे, जनरल स्टोरों पर भी रखवा सकते हैं, यानी अपने तरीके से किस तरीके से आप बेचना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स आप तैयार करेंगे ना, आपने तैयार किया कोई प्रोडक्ट, खूबसूरत प्रोडक्ट्स है, अच्छा बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो बिकना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आइटम क्या है, छोटा आइटम बड़ा आइटम, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में सेल होनी चाहिए, खपत होनी चाहिए, वही प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है, कोई पता नहीं होता कब कौन सा प्रोडक्ट वायरल हो जाए या फेमस हो जाए, चलने लग जाए, ऐसे ही बिजनेस है। कौन सा बिजनेस, जो हमने कई बिजनेस किए और नुकसान हो गया, चल नहीं रहा है, ज्यादा पैसे लगा दिए, कई भाई तो लाखों रुपए लगा देते हैं बिजनेस के अंदर, गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलते हैं नहीं चलते। ऐसे बिजनेस मैंने बहुत देखे जो 6 महीने बाद ही काफी दिन में बंद हो जाते हैं, नहीं चलते हैं, नुकसान हो जाते हैं। आप अकेले हैं तो इसको अकेले भी शुरू कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप 4 जने हैं तो 4 जने अलग अलग मार्केट पकड़ के अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने तरीके से चले, और पर डे बिकने वाला आइटम है, पर डे सप्लाई जाएगी, आप भी बनाकर इसको अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करके यस लिख दें, उसे एक मोटिवेट होने की प्रेरणा मिलती है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, और बिजनेस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।